अस्सलाम वालेकुम। टाइप्स ऑफ साल्ट को डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ साल्ट की, नॉर्मल साल्ट, एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट, डबल साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट और मिक्स साल्ट। आज जो टाइप हमने डिस्कस करनी है वो है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट्स। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट कौन से होते हैं? देखो कॉम्प्लेक्स का लफ्जी मतलब अगर देखोगे तो लफ्जी मतलब होता है पचीदा, ऐसी चीज़ जिसकी कुछ समझ ना आए, ऐसी शायद जिसकी कोई समझ ना आए इसको हम नाम दे रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स का। मसलन यहाँ पर पहले डेफिनेशन लिख लो इसकी, सिंपल सी डेफिनेशन है। दो साल्ट विच डिसोसिएट, ऐसे साल्ट जो कि टूटते हैं और देते हैं, विच डिसोसिएट इनटू सिंपल कैटाइन, जो सिंपल कैटाइन दें एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन, और इसके साथ दें कॉम्प्लेक्स एनाइन और या फिर कॉम्प्लेक्स कैटाइन, या फिर कॉम्प्लेक्स कैटाइन दें एंड सिंपल एनाइन, एंड सिंपल एनाइन। अब इस बात को समझिए क्या बात कहना चाहती है, इसकी डेफिनेशन है, इसको हम नाम दे रहे थे इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स साल्ट। इसको क्या नाम देंगे? कॉम्प्लेक्स साल्ट का नाम देंगे। अच्छा यहाँ पे ना इस डेफिनेशन का मतलब क्या है ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे दो बातें लिखी, एक बात ये है कि सिंपल कैटाइन एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन या फिर कॉम्प्लेक्स कैटाइन एंड सिंपल एनाइन। अब ये दो बातें मैंने यहाँ पे कही हैं। अब इन दो बातों का मतलब क्या, मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। K4FeCN6 ये कंपाउंड है, K4FeCN6 उसको कहते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड। इसको अगर मैं थोड़ा तोड़ के लिखूँ ना बच्चे, ये वाला है हमारे पास कैटाइन K+, जिसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, उसको क्या नाम देते हैं? कैटाइन का नाम देते हैं। अब इस पूरे को खोल के लिखूँ, देखो इस Fe के इर्द गिर्द ना 6 CN है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये सारे के सारे CN क्या करते हैं? आयरन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे होते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बनती है ये वाली, और इसके ऊपर चार्ज होगा -4, और माइनस चार्ज वाली शेयर को हम क्या नाम देते हैं? एनायन का क्या नाम दे रहे होते हैं? अब यहाँ पर गौर करो, मेरे पास सिंपल, देखो कैटाइन बिल्कुल सिंपल है और एनायन क्या है? कॉम्प्लेक्स है। इसको कॉम्प्लेक्स है, देखो काफ़ी सारे जो मुश्किल सा हो ना वो कॉम्प्लेक्स है। ये क्या हमारे पास है? कॉम्प्लेक्स है, सिंपल कैटाइन है इसमें, इस साल्ट में, और कॉम्प्लेक्स एनाइन है, या फिर इसका ऑपोजिट भी हो सकता है। कहता है मैंने दो बातें लिखी हैं, दो साल्ट विच डिसोसिएट, ऐसे साल्ट जो टूटते हैं इनटू सिंपल कैटाइन, सादा कैटाइन में टूटे एंड कॉम्प्लेक्स एनाइन, और कॉम्प्लेक्स एनाइन में टूटे, या फिर कॉम्प्लेक्स कैटाइन और सिंपल एनाइन, या फिर इसका बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है, आपका कैटाइन जो है ना ये कॉम्प्लेक्स हो सकता है और एनाइन क्या हो सकता है? सिंपल। ये दो बातें याद रखिए, इस तरह के साल्ट को हम नाम दे रहे होते हैं कॉम्प्लेक्स साल्ट। क्या नाम दे रहे होते हैं? कॉम्प्लेक्स साल्ट। मैं इसकी एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एग्जांपल वही जो मैंने वहाँ पर लिखी है ना, पोटाशियम फेरोसाइनाइड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पोटाशियम फेरोसाइनाइड। अब पोटाशियम फेरोसाइनाइड का फार्मूला था K4FeCN6, ये फार्मूला है हमारे पास पोटाशियम फेरोसाइनाइड का। अब इसमें क्या होता है, इन दिस साल्ट कैटाइन इज सिंपल, जो कैटाइन है वो क्या है हमारे पास? सिंपल है, और एनायन क्या है हमारे पास? एनायन क्या है? एंड एनायन इज कॉम्प्लेक्स, और हमारे पास एनायन क्या होगा? कॉम्प्लेक्स होगा। भाई ये बात आपने याद रखनी है, था जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स साल्ट। लास्ट वाली टाइप रह गई है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे।